नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। प्योर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज बातचीत करेंगे हम झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम के बारे में। मशहूर पंक्तियां हैं, एक सीरियल्स ली गई हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो किरदार का नाम बोलते हैं, हम पार्टी का नाम बोल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है इस पार्टी में, जो ये बवाल कहीं से शुरू हुआ है। एक बेहद अहम बात सामने आई है जिस पर कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है पार्टी के लिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि वो किसी गंभीर बात को इग्नोर कर रहे हैं। जेएमएम में आखिर ऐसी क्या बात हुई जिस पर आज दिन भर हंगामा रहा, सियासी गतिविधियां तेज हो गईं, अचानक प्रतिक्रियाएं और उस तरह की बातें निकल कर सामने आईं जिससे सत्तारूढ़ पार्टी थोड़ी परेशान हो जाए। दरअसल उन्हीं की पार्टी के एमएलए सीता सोरेन और उन्हीं परिवार के, सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन ने ट्वीट किया है, और जो ट्वीट किया है उसकी भाषा इतनी तल्ख है जो बताती है कि वो बहुत या तो आहत हैं या वाकई उन्हें लग रहा है कि कुछ भयंकर गड़बड़ी चल रही है। इससे पहले कि हम उनके ट्वीट की ओर जाएं, कल एक कार्यालय आदेश निकला था जेएमएम सेंट्रल कमेटी की तरफ से, जिसमें कुछ लोगों को निष्कासित कर दिया गया था और उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। जिन लोगों को निकाला गया था उनके नाम आप पढ़ रहे होंगे, तो उनमें केंद्रीय सदस्य संतोष नायक थे, मनोज राणा, कैलाश सिंह, दिनेश पांडे, जगदीश यादव, रविंद्र सिंह, धनेश्वर गंजू, श्रीमती संगीता पाठक, श्री पंकज मिश्रा को पार्टी के सांगठनिक पद से पदमुक्त कर दिया गया था और प्राथमिक सदस्यता से आगामी 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। अब यही बात शायद ट्रिगर कर गई, शायद यही बात अधिक मुखर होकर कह दी और सीता सोरेन की प्रतिक्रिया ज़्यादा मुखर रूप से सामने आई। उन्होंने जो भाषा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है ना, वो सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये सामान्य तौर पर इस तरह के आरोप विपक्षी भी नहीं लगाते, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक एमएलए ने ये आरोप लगाया है, उनके ही परिवार के, सोरेन परिवार के सदस्य ने ये आरोप लगाया है, जो ये बताता है कि पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर, जो कि समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पर जब आप सत्ता में होते हैं तो कई तरह के लोग आपसे जुड़ जाते हैं, सत्ता को घेर लेते हैं, और ऐसे में जो सत्ताधीश होते हैं उन तक सही बातें नहीं पहुंचती। और यही, और ख़ास तौर पर जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ ये बातें अधिक गंभीर रूप से लागू हो जाती हैं, चूँकि संगठन के सर्वे सर्वा भी वही होते हैं, सरकार के सर्वे सर्वा भी वही होते हैं, तो उनके पास एक असीमित ताकत होती है, और इसी असीमित ताकत की होने की वजह से इनके आसपास के लोग अधिक ताकतवर हो जाते हैं, और पकड़ सरकार की या पार्टी की ये उन पर नहीं रह जाती, चूँकि वो सत्ताधीश के बिल्कुल करीब होते हैं। हम ये तमाम बातें इसलिए कह रहे हैं कि आप जो आप भाषा देखेंगे सीता सोरेन जी की, मुक्त करो शैतानों से, सोए क्यों हो अब तक, रो रो कर कहती धरती माता, दो हर दिल पर दस्तक। ये उन्होंने शुरुआत की है, और जिस जल जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए झारखंड का निर्माण किया गया था, वो झारखंड अब खुद को बचाने की पुकार कर रहा है, ये उन्होंने लिखा है।
ये एक प्रतिक्रिया है जो उस कार्यालय आदेश के बाद की प्रतिक्रिया हम मान सकते हैं और बेहद तल्ख है। उन्होंने उस नारे पर भी एक तरह से टिप्पणी की है जिसको लेकर जीएमएम बहुत मुखर रहती है। अब एक बड़ा सवाल है, क्या सत्ता के आसपास महज कुछ लोग हैं जो सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन है ये, या दूसरा कारण भी हो सकता है कि क्या सीता सुरण की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी है, शायद इसलिए वो इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं। ये दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचें, आप पहले ये जानने की कोशिश जरूर कर लें कि क्या सत्ता तक पहुंचना या सत्ता की तक अपनी बातें पहुंचाना आज के समय में भी उतना आसान है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, क्या उन तक अपनी बातें पहुंचाना आज भी उतना आसान है जितना पहले हुआ करता था? क्योंकि इसके पहले की जो सरकार थी, रघुवर दास जी की जो सरकार थी, उस पर भी यही आरोप चस्पा हुए थे कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग आपको हमेशा ये एहसास कराते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और उसके बाद अचानक जब आप चुनाव में उतरते हैं तो आपको आपकी जमीन नहीं मिलती। यही हाल कहीं हेमंत सोरेन जी के साथ तो नहीं हो रहा? क्या उनके आसपास के लोग उसी तरह के हैं, उसी तरह के लॉट के हैं जो कि अपने मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित रख रहे हैं? बहुत बारीकी नजर से आपको देखना पड़ेगा, बहुत बारीक नजर चाहिए उसके लिए, और इसके लिए मुख्यमंत्री को किसी और को इसकी कोई जांच एजेंसी बिठाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ कर देख लें कि उन तक बातें सबकी पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इतना ही काफी है। अब दूसरा सवाल जरूर है, यह आरोप जो उन्होंने लगाया, इसका दूसरा आगे वो कहती हैं जो कि और ज्यादा हम कह सकते हैं ज्यादा तल्ख है, वो ये है कि झारखंड की धरती चीख कर ये कह रही है कि दलालों और बेईमानों के चंगुल से मुझे बचाया जाए। झारखंड की इसी चीख और पुकार को सुनकर शायद दुर्गा सेना का गठन किया गया है। जब ये दुर्गा सेना का गठन हुआ था, हमने आपको बताया था, बाइस्कोप ने आपको बताया था कि इसका मकसद कहीं कुछ और है, ये सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी छिपी हुई है। और अब उन्होंने, दुर्गा सोरेन जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसी की वजह से उन्हें दुर्गा सेना का गठन करना पड़ा। उन्होंने गुरुजी यानी शिबू सोरेन जी से कहा है कि माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिबू सोरेन जेएमएम जी, आपके और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के पसीने से, खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी वर्तमान में दलालों और बेईमानों के हाथों में चली गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्थिति अगर यही रही तो पार्टी कई गुटों में बढ़ती नजर आएगी। क्या वास्तविक स्थिति यही है? क्या एक ही लॉबी जेएमएम पर और सरकार पर राज करने की कोशिश कर रही है? क्या इस पर किसी की मॉनिटरिंग है? यह सब कुछ देखे जाने की जरूरत है, और अगर नहीं देखा गया तो इसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है कि अगर स्थिति यही रही तो पार्टी कई गुटों में बढ़ सकती है। तो हम ये माने कि एक गुट तो शायद बन चुका, एक गुट की शुरुआत मानो हो चुकी है जो सीता सोरेन जी के नेतृत्व में हो रही है। जैसा कि हमने कहा कि दोनों वजहें हो सकती, एक या तो वाकई सरकार ऐसा कुछ कर रही है जिससे कि परेशानी हो रही है, जिससे कि जो आरोप हैं वो बातें सही होती हैं, या फिर दुर्गा सोरेन जी के नाम पर जो दुर्गा सेना का गठन किया गया है, ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है और इसके पीछे सीता सोरेन जी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आगे जब कभी उनसे बात होगी, हम इस पर
जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है। उन्होंने आगे ये लिखा है कि दलालों और बेईमानों से पार्टी को बचाना अब सिर्फ आपके हाथों में है। जिस उम्मीद और आशा के साथ पार्टी की नींव रखी गई थी, और इस तरह की वो उन्होंने सारी बातें लिखी हैं इसमें। तो हमारा कहना बस ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप उनके, जो सीता सोरेन जी ने लिखा है, वो बातें क्या ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती हैं, इसको लेकर जेएमएम की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसे इग्नोर किया गया है। अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या इसको काउंटर करने की जरूरत थी तो पार्टी को ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि यह आरोप बहुत हल्के नहीं है। इन आरोपों ने विपक्षों को एक मौका दिया। विपक्ष की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता ने क्या कहा, आप पहले सुनिए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ विधायिका और गुरु जी की पुत्रवधु श्रीमती सीता सोरेन जी ने आज ट्वीट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व पर बेईमान और दलाल होने का आरोप लगाया है। ये बेहद संगीन आरोप है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पार्टी इन दलालों और बेईमानों से मुक्त नहीं हुई तो पार्टी के टूटने का भी डर है। और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी जल, जंगल और जमीन की रक्षा की बात किया करती थी, लेकिन आज वो अपने सिद्धांत से भटक गई है। देखिए, हम तो एक लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि इस प्रदेश में अराजकता चरम पर है, अवैध खनन और अवैध व्यापार एकदम चरम पर है, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसने एक उद्योग का रूप ले लिया है, और महिलाओं पर जो अत्याचार है और जो हत्याओं का प्रतिशत है वो भी अब तक के शीर्ष पर है। पूरे प्रदेश में जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, और वो इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी जो पार्टी है और गठबंधन के जो दल है उनका ध्यान सिर्फ अवैध उगाही पर है। आज हमारी इस बात को श्रीमती सीता सोरेन जी ने पुष्टि कर दी। अब तो यही समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई औपचारिक इस पर बयान नहीं देकर जो भी आरोप श्रीमती सीता सोरेन जी ने लगाया है उसकी इन्होंने पुष्टि कर दी। प्रतुल सादेश जी की जो प्रतिक्रिया है बिल्कुल वैसे ही है जिसकी अपेक्षा थी। कोई भी विपक्षी दल इस मामले को उसी तरह से कैश करने की कोशिश करेगा जैसा कि बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लिए ये मौका हो सकता है, लेकिन जहां तक जेएमएम की बात है उनके लिए ये समय इसे काउंटर करने का है। अगर इन आरोपों में दम नहीं है उन्हें सामने आना चाहिए। इस पर चुप्पी और ज्यादा परेशान कर सकती है पार्टी को। पार्टी अगर स्पष्ट रूप से इसका खंडन नहीं करती है और चुप रह जाती है तो इन आरोपों को एक बल तो निश्चित रूप से मिलेगा। आगे इस पर क्या कुछ होता है इस पर हमारी भी नज़र रहेगी। दुर्गा सोरेन जी के नाम पर जो सेना बनी है वो राजनीतिक रूप से कहाँ पहुँचती है, ये भी हम देखेंगे। और सीता सोरेन जी आगे क्या करना चाहती हैं उस पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये विवाद किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचेगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।